योद्धा उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं सकता था। और तब अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु ने महाराज युधिष्ठिर से उस चक्रव्यूह में जाने की आज्ञा मांगी। नहीं था बल्कि एक षड्यंत्र था। अगर तुम युद्ध को छोड़ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो। जो वीर होते हैं वो भागने का मार्ग नहीं खोजते। मैं तो युद्ध करूंगा। मैं तो केवल यह चाहता था कि आने वाला कल आप जैसे महारथियों की गिनती कायरों में ना करें। उस दिन का युद्ध नायक वीर अभिमन्यु अपने धनुष से टंकार करता हुआ अपने कौशल से युद्ध लड़ रहा था और एक एक करके सभी महारथियों को घायल कर रहा था। किसी की बाजू, किसी का सर, किसी का कंधा, सभी महारथी घायल हो रहे थे। तब सभी ने मिलकर एक साथ वीर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया और वीर अभिमन्यु को छलनी छलनी कर दिया। और तब भी वीर अभिमन्यु ने ये कहा, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। पिताजी, सूर्योदय के उपरांत इस भूमि से पूछना कि आपका पुत्र कितनी वीरता से लड़ा। हे कुलगुरु, क्या यही आपका धर्म है? हे अंगराज कर्ण, मैं तुमसे पूछता हूँ कि सारे योद्धा एक निहत्ते पर पार कर रहे हैं, क्या यही युद्ध का नियम है? अरे मृत्यु तो कायरों की होती है, पर मेरी मृत्यु वीरों की भांति होगी। वीरों की भांति, वीरों की भांति। मृत्यु के भय से न डरता, साहस जिसका ढाल है बनता, वो युद्ध वीर बन जाता है। अभिमन्यु वो कहलाता है, अभिमन्यु वो कहलाता है, अभिमन्यु वो कहलाता है।